सामने आ रही है श्रीगंगानगर से, जहां पर एनआईए टीम की सादुल शहर में छापेमारी। एनआईए ने दो घरों में छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने तलाशी ली है। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामले में छापेमारी की गई है। उस वक्त की बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आपके सामने, एनआईए टीम की सादुल शहर में छापेमारी की खबर सामने आ रही है और दो घरों में छापेमारी की गई है। और छापेमारी में क्या कुछ जानकारी सामने आई है, क्या तस्वीरें सामने आई है, क्या सबूत मिले हैं, सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए। क्या है पूरी जानकारी कुलदीप? देखिए, एनआईए की टीम है, ये अलसुबह आई थी और काफी गुप्त रूप से जो सारी कार्रवाई है वो रखी गई। इसके बारे में मीडिया कर्मियों को कोई जानकारी नहीं दी गई। फिलहाल जो प्रारंभिक जो हमें जानकारी हमारे सूत्रों से मिली है उसके अनुसार दो घरों में छापेमारी की गई है और पूछताछ करके जो एनआईए की टीम है वो वापस चली गई है। फिलहाल अभी थोड़ी देर बाद संभवतः या तो एसपी हैं या कुछ अन्य जो अधिकारी हैं इसके बारे में अगर कोई खुलासा करेंगे तभी जो आगे मामले की पूरी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन इतना जरूर साफ है कि गंभीर मामले को लेकर एनआईए की टीम ने छापेमारी करी थी। हालांकि किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया गया है, किसी को पकड़ा नहीं गया है, सिर्फ पूछताछ करने के बाद टीम है वो वापिस चली गई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपको कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। अब दिखाएंगे आपको दो मिनट में विदेश की खबरें फटाफट अंदाज में। बालमुरल कैसल से दिवंगत महारानी एलिजाबेथ का कॉफिन 6 घंटे की यात्रा के बाद एडिनबरा पहुंच गया है। महारानी के सम्मान में ब्रिटेन के किसानों ने अपने ट्रैक्टरों को लाइन में लगाकर अंतिम विदाई दी। बकिंगम पैलेस के बाहर ब्रिटेन के किंग चार्ल्स को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। ब्रिटेन के चर्च ने किंग चार्ल्स के नए राज का स्वागत किया। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले को 21 साल पूरे हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 9/11 हमले की 21वीं वर्षे पर एक बार फिर आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई। चिली में 49 साल पहले हुए तख्तापलट की सालगिरह पर प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन हिंसक हुआ। रूस ने दावा किया कि उसने खार्किव के कई इलाकों को अपना निशाना बनाया। यूक्रेन की सेना ने खार्किव में देश का झंडा लहराते हुए एक वीडियो जारी किया। पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पाकिस्तान सेना भी जुट चुकी है। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए।